हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न साइंस स्टैंडर्ड 5। दिस इज द कवर पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक पर्ल स्टैंडर्ड 5 सेमेस्टर 1। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 3, फूड एंड हेल्थ। इन द लास्ट वीडियो वी हैड लर्न टू टॉपिक। सो फर्स्ट, टू स्टे हेल्दी अवर बॉडी नीड्स नंबर 1 बैलेंस्ड डाइट, नंबर 2 रेगुलर एक्सरसाइज, नंबर 3 इनफ रेस्ट, एंड नंबर 4 प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। सो डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो वी हैड लर्न टू टॉपिक बैलेंस्ड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। नाउ टुडे वी विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो डियर स्टूडेंट, लुक एट द पेज नंबर 210 एंड 211। Enough rest. So dear student, look at the page number 211. Enough rest. So proper rest and regular hours of sleep relax our muscle and give our body much needed rest. Okay. So proper rest and regular hours of sleep relax our muscles. अगर देखो dear student, बहुत समय खेलते समय थक जाते हो, है ना, प्ले कुछ वर्क करते समय टायर्ड फील करते हो, तो उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत होती है, इनफ रेस्ट की ज़रूरत होती है। सो प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप रिलैक्स अवर मसल, तो इससे हमारी क्या हो जाती है, मसल रिलैक्स फील करती है एंड गिव अवर बॉडी मच नीडेड रेस्ट। वी फील फ्रेश, इनफ रेस्ट लेने से क्या हो जाता है, वी फील फ्रेश एंड आर रेडी टू वर्क अगेन। फ्रेश फील करते हो आप, इनफ रेस्ट लेने से क्या हो जाता है, हमें फ्रेश फील होता है एंड आर रेडी टू वर्क अगेन, और वर्क नेक्स्ट वर्क करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं। स्लीप अल्सो गिव अवर बॉडी टाइम फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग इट्स सेल्फ। स्लीप अल्सो, इनफ स्लीप लेना भी जरूरी है। स्लीप अल्सो गिव अवर बॉडी टाइम फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्फ इट्स सेल्फ। हमारी बॉडी को टोनअप मिलता है, ग्रोथ होती है हमारी बॉडी, हमारी और हमारी बॉडी जो सेल है वो रिपेयर होने करने के काम है ना स्लीप से होते हैं। अगर इनफ स्लीप अनफ रेस्ट हुआ हमारी बॉडी को मिला, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक डिसीज। सो डिसीज, व्हेन वी आर सिक नाइदर अवर बॉडी नॉर अवर माइंड इट इज। ओके, अ डायजेस इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। व्हेन वी आर सिक नाइदर अवर बॉडी नॉर अवर माइंड इज एट ईज़। अगर देखो, व्हेन जब तुम बीमार हो जाते हो तो तुम्हारी बॉडी और माइंड क्या हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो ना। हाँ, तो डिसीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। जो डिसीज क्या है, इज एन एबनॉर्मल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है कि उससे हमारी बॉडी को क्या हो जाता है, बॉडी अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं करती हमारी बॉडी। ओके, सो डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, जिससे काम नहीं करती हमारी बॉडी। डिसीज कैन एक्यूर ड्यू टू मेनी रीजन्स, तो डिसीज एक रीजन से होती ही नहीं, डिसीज होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। मेनी रीजन सब डिसीज लाइक डायबिटीज और एथरीटीज आर कॉज व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अवर बॉडी स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। Sometimes some diseases like diabetes or arthritis are caused when a particular part of our body stop functioning properly. Diabetes or arthritis के कारण क्या हो जाता है, कुछ body parts ऐसे हो जाते हैं कि वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, अच्छे से काम नहीं करते, properly काम नहीं करते, अच्छे से बंद हो जाते हैं। तो deficiency or the lack of particular minerals or vitamins in the body also cause disease. तो ये डिसीज़ किससे हो जाता है, अगर हमने बैलेंस डाइट लिया तो उसमें अगर हमें पर्टिकुलर विटामिन नहीं मिला, हमसे पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिला, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिनरल्स विटामिन न्यूट्रिएंट्स कार्बो जो भी जो चाहिए हमारे बॉडी को, अगर अच्छे से नहीं मिला हो, पर्टिकुलर नहीं मिला है, तो उसकी वजह से वो डिसीज
हो सकते हैं। तो सम डिजीज लाइक सम कैन एक्यूअर ड्यू टू मेनी रीजन्स होते हैं, डिजीज के मेनी रीजन होते हैं, डिफिशियंसी और द लैक ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स की कमी के कारण, विटामिन के कमी के कारण बहुत सारे ऐसे डिजीज हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। तो इस तरीके से डिजीज को क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज, है ना। मतलब मिनरल्स के कमी के कारण, विटामिन के कमी के कारण, न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण जो भी डिजीज होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। डिजीज कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, जो डिजीज होते हैं वो कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप, टू टाइप्स। सो फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। द फर्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड कम्युनिकेबल डिजीज। सो नाउ फर्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज गेट स्टार्टेड। सो देयर दीज आर डिजीज दैट आर नॉट पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, दीज आर डिजीज दैट आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरीके से जो डिसीज होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होते, है ना। जो ये डिसीज है वो पास नहीं होते एक पर्सन को किसी से छूने से, खांसने से। ऐसे जो डिसीज होते हैं वो ये नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में वो नहीं आते। सो दीज आर डिसीज किस तरीके से डिसीज है, ये आर नॉट पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी, रैकेट्स एंड एनीमिया। सो ये जो क्या है, अपने बॉडी में कुछ मिनरल्स की कमी, विटामिन्स के कमी के कारण, न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण जो भी कुछ डिसीज होती है उसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज। सो ओके, डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में वो आते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज दीज आर डिसीज दैट आर नॉट पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, सो फर्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। अभी नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, ये नाइट ब्लाइंडनेस है ना, नाइट ब्लाइंडनेस ऐसे डिसीज है कि वो अंधेरा होने से नहीं दिखता है। ओके, ये जो ऐसी डिसीज में नाइट ब्लाइंडनेस जो डिसीज है ना, वो अंधेरा होने से नहीं दिखता है ना, वो डायरेक्ट दिखना बंद हो जाता है। इस कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के कमी के कारण ये डिसीज होता है। सो इसलिए ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया, टोमेटो, बटर, मिल्क, फिश एंड एग योक आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ये खाने से क्या हो जाता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस ये डिसीज नहीं होती। तो इसलिए ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, यू मस्ट ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वी मस्ट ईट मैंगो, पपैया, टोमेटो, बटर, मिल्क, फिश एंड एग योक आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। इन नाइट ब्लाइंडनेस द पेशेंट कैनॉट सी इन डिम लाइट, उनको डिम लाइट में नहीं दिखाई देता। जो जो पेशेंट है नाइट ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट है उनको डिम लाइट में नहीं दिखाई देता। ओके, नाउ नेक्स्ट बेरी बेरी, नेक्स्ट डिसीज बेरी बेरी इज डिसीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन। ओके, सो योर बेरी बेरी जो है डिसीज वो उसका कॉज क्या है, है ना, कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन। सो विटामिन बी इज प्रेजेंट इन अनपॉलिश राइस, जो राइस होते हैं बिना पॉलिश किए हुए राइस में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन मिलते हैं, मिल्क, मीट, पी, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें हमें सबसे ज़्यादा विटामिन बी मिलता है। सो बेरी बेरी इज अ डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन। विटामिन बी इज प्रेजेंट इन अनपॉलिश राइस, मिल्क, मीट, पी, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। नाउ नेक्स्ट स्कर्वी, स्कर्वी इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। सो स्कर्वी इज अ डिस कॉज बाय द डिफिशियंसी, जो स्कर्वी इज डिसीज है ये किसके कमी के कारण होती है, विटामिन सी के। ब्लाइंडिंग, ब्लीडिंग ऑफ द गम्स, ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स रिजल्ट फ्रॉम स्कर्वी। जो स्कर्वी में क्या है, ब्लीडिंग ऑफ द गम्स, कभी मसूड़ों में से खून आना, ओके, एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट रिजल्ट फ्रॉम स्कर्वी। तो विटामिन सी इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट,
आमला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस। सो इसके कारण इस ये लेने से विटामिन सी हमें मिलता है। ओके, सो सोर्सेस ऑफ विटामिन सी इज टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड सिट्रस फ्रूट्स, आमला, ओके, लेमन एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट, रैकेट्स इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। इन दिस डिसीज द बोन्स बिकम सॉफ्ट। विटामिन डी अलॉन्ग विद द मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फरस मेक अवर बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो जाता है? रैकेट्स इज कॉज बाय द डिफिशियंसी डी, इस तरीके से हो जाता है। तो ये क्या है? इन दिस डिसीज द बोन्स बिकम सॉफ्ट। जो बोन्स होते हैं, मसल है ना, बोन्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट होते हैं। विटामिन डी अलॉन्ग विद द मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फरस मेक अवर बोन एंड टीथ हार्ड। एंड कैल्शियम कम फ्रॉम मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स खाने से ये जो कमी है बोन्स है ना, रैकेट्स कॉजेस, ये कम होते हैं। विटामिन डी, सो सोर्सेस ऑफ विटामिन डी इज, टेल मी फर्स्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट का घी, चीज, बटर, ओके, पनीर, इट्स मिल्क प्रोडक्ट एंड इट्स। नाउ नेक्स्ट, गोइटर। गोइटर इज अ कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। इन गोइटर अ ग्लैंड इन द नेक रीजन स्वेल्स। ओके, गोइटर इज कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। इन गोइटर अ ग्लैंड इन द नेक रीजन स्वेल्स। गोइटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडाइज्ड साल्ट। सी फूड इज अल्सो रिच इन आयोडीन। देखो जो गोइटर है ये क्या है, गले में जो देखो अपना नेक है ना, वहाँ पे वो बड़ा हो जाता है। तो गोइटर इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन के कमी के कारण होता है। इन गोइटर अ ग्लैंड इन द नेक रीजन स्वेल। देखो है ना, दिख रहा है, इट इज अ गोइटर। सो गोइटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडाइज्ड साल्ट है ना। सी फूड इज ऑल्सो रिच इन आयोडीन। तो आयोडीन किससे मिलता है? सी फूड से। ओके, तो इट इज अ गोइटर डिजीज। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट, एनीमिया इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन फूड। जो ये डिसीज है ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में ही आता है, एनीमिया। एनीमिया इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन फूड। इन एनीमिया द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो। क्या हो जाता है एनीमिया से? ये आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। इन एनीमिया द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम लो। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो लो हो जाता है। सो द ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रेड्यूस। ओके, कैपेसिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन कैरिंग की, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण। आयरन इज अ प्रेजेंट इन डेट, एप्पल, बनानास, गव, स्पिंच, ब्रिंजल, पल्से, जैगरी, मीट एंड लीवर। सो इसके कारण क्या हो जाता है? आयरन। द सोर्सेस ऑफ आयरन इज डेट, एप्पल, बनानास, गवस, स्पीच, ब्रिंजल, पल्से, जैगरी, मीट एंड रिवर। ओके, दीज आर सोर्सेस ऑफ आयरन। ओके, और एनीमिया इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न इनफ रेस्ट एंड डिजीज। फर्स्ट डिजीज, सो डिजीज कैन broadly be classified into two types, non-communicable and communicable. So today we will learn communicable disease. Okay, so today's hard words. So proteins, substance present in food that help in the growth and maintenance of the body. Number two, fats, natural oil substance present in the animal product, nuts and vegetable oils. Vitamins and minerals,
न्यूट्रिएंट्स इन फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो स्टे हेल्दी एंड फाइट डिसीज. ओके इट इज अ थ्री हार्ड वर्ड्स राइट डाउन इन योर साइंस नोटबुक. ओके एंड रीड दिस चैप्टर वन टाइम. ओके स्टूडेंट अंडरस्टूड. थैंक यू.